दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मार्शल आर्ट्स, कल्टीवेशन, इमोर्टल वर्ल्ड से जुड़ा एक बहुत ही गजब का एडवेंचर देखने को मिलेगा। अगर आपको यह सीरीज पसंद आते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक खूबसूरत जगह को, इसके बाद हम देखते हैं कुछ बच्चों को और वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम जावपिंग है, यही इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है, और वो अपनी दोस्त लिंग्यू से कहता है, तुमने मुझे 97 बार हरा दिया है, पर मैं तुमसे इस बार जीत कर ही रहूंगा। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, तभी लिंग्विन अटैक के बीच से हट जाता है, उसके कारण जावपिंग वहीं गिर जाता है, जिसे उसे बहुत गुस्सा आता है और उस पर लगातार अटैक करने लगता है, पर लिंग्विन उसके अटैक से बड़े ही आसानी से बच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वह उस लड़ाई के बीच में एक सामान को है, और यह देखकर लिंग्विन डर कर वहाँ से भागने लगता है। फिर जावपिंग उस सामान के मालिक से माफी मांग कर वहाँ से जाने लगता है, और फिर वो सभी बच्चे बाकर एक टेम्पल में पहुँच जाते हैं, जहाँ जाकर जावपिंग लिंग्विन से कहता है, मैं तुम्हें इस बार जरूर हरा दूंगा, और फिर इन दोनों में फाइट होने लगते हैं, और लिंग्विन जावपिंग को फिर से हरा देता है। तभी वहाँ का मौसम खराब होने लगता है और आसमान में बादल काले की चीज में बदलने लगते हैं, और हम देखते हैं कि लिंग्विन की आंखें रेड होने लगते हैं और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जावपिंग से कहता है कि क्या तुम हार मानते हो। जावपिंग मना कर देता है, जिसे वो जावपिंग की गला को स्वॉर्ड से दबाने लगता है। इसे देखकर सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ एक मॉन्क आता है, जो अपनी पावर से लिंग्विन को ठीक कर देता है और उसे होश में लाता है, और फिर लिंग्विन को पता चलता है कि वह जावपिंग पर अटैक कर उन्हें मारने वाला था। यह सोचकर वो बहुत दुखी होता है और जावपिंग से पूछने लगता है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है। तभी मॉन्क उन दोनों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से अंधेरा होने से पहले यहाँ से चले जाओ। तो वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और अपने घर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जावपिंग अपने घर में होता है, अपनी फादर से कहता है, मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं एक ईविल स्पिरिट इसी गांव की तरफ बढ़ रही होती है और जावपिंग की तरफ से निकल जाती है, जिसका अंदाजा उस मॉन्क को लग जाता है, और वह तुरंत जाकर उस ईविल स्पिरिट के आगे खड़ा हो जाता है और उससे उस बच्चे को छीन लेता है और उसे कहता है, तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो। जिस पर वह डैमन कहती है, तुम इससे अलग रहो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वह डीमन भी कम पावरफुल नहीं था, और वो अपनी चालाकी से मॉन्क शरीर में एक कीड़ा छुपा देता है, और फिर से इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। तभी वह ईविल स्पिरिट मॉन्क के ऊपर अटैक कर देती है, जिसे मॉन्क सील्ड बनाकर बचने लगता है, पर डैमन का अटैक बहुत पावरफुल था, जिसे वह बहुत घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। यह सब उस कीड़े की वजह से था। तभी वो डैमन अपनी डेंजरस फॉर्म आ जाता है, जो देखकर मॉन्क अपनी बुद्धा की पावर एक्टिवेट करने लगता है और उनके पीछे से एक बड़ा सा हैंड दिखाई देती है। वही जावपिंग इन मॉन्क उस डैमन पर अटैक कर देता है, जिसे वो डैमन बच जाता है और हंसने लगता है, और इसी के साथ वो अपनी पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है, जिससे वहाँ एक पावरफुल टेंडर जनरेट होने लगता है और वो उसकी स्वॉर्ड में जाने लगता है, जिससे कि उनकी स्वॉर्ड एक थंडर स्वॉर्ड बन जाती है और वो स्वॉर्ड से मॉन्क पर अटैक कर देता है। तो मॉन्क वहाँ एक पावरफुल सील्ड बनाने लगता है, जिसे वो उनकी अटैक को बड़े ही आसानी से रोक लेता है, जिसकी वजह से वहाँ एक पावरफुल ओर निकलता है। इसके कारण जावपिंग बेहोश हो जाता है और वो डैमन पीछे हट जाता है, और इस पावर को देखकर वो पूरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उस एनर्जी सील्ड को बनाने की वजह से उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो कमजोर होने लगते हैं, और फिर वो मॉन्क उन दोनों बच्चे के पास आता है और कहने लगता है, एक ना एक दिन मुझे मरना ही था, और वो एक फिलका लेता है
जिससे वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है और उन दिनों में अपने पावर को किसी और में ट्रांसफर कर देगा जो लोगों को डेमन से बचाएंगे। फिर वो मॉन्क उन दोनों बच्चे के बारे में सोचता है, ये दोनों ही मुझे कुछ मदद कर सकते हैं। फिर वो मॉन्क जावपिंग नल्स को चेक करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि उस एनर्जी के ब्लास्ट की वजह से इसको बहुत चोट पहुंची है, तो वो उसे हील करने लगता है। इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखो जरूर दबाएं।